वहां घूमना वो सब मेरा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपना। आप देखिए, आप अजमा के देखिए, जब हम कुछ वर्किंग में रहते हैं तो हमारे को कोई टाइम नहीं मिलता और हमारा इतना अच्छा टाइम पास होता है, नो टीवी नो कुछ भी नहीं, और हम अपने परिवार और बच्चों को देखते हुए ये काम करते हैं और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। साथ में एक लीडरशिप आती है बोलने की। आज 1,000 लोग अगर हॉल में होते हैं, और मैंने कई बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज खुद ने की है और आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। पहले जब मेरे से, जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था, जब सेकंड पॉइंट ये मेरा बहुत बड़ा है मेरा, जब मेरे से 2 लोग भी 4 लोग मिल जाते तो मेरे से बात करते थे तो मेरे को शर्म आती कि मैं कैसे बात करूं या नहीं करूं, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल जाऊंगी। लेकिन अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे सामने अगर 1,000 लोग भी हो तो मैं उनका जवाब दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो मैम ये बहुत बड़े बड़े प्लस पॉइंट है अपने पास में। एक लीडरशिप आती है, एक अपना, एक हमारी इनकम होती है यहाँ से, और साथ साथ में हमारी लाइफ स्टाइल बदल देती है पूरा का पूरा। तो हमको ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ऑरिफ्लेम, और ऑरिफ्लेम हर कोई भी कर सकता है अगर हम कुछ इसमें मेहनत करें, हमारे गोल्स फिट कर लें हम इस जगह में कि मुझे ये करना है, तो मैम हम कर सकते हैं आराम से। ओके, चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे। हम लोग जो आज स्किन केयर नॉवेज का वो हम बता रहे हैं आपको, मैं इसके 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये फेस क्लेंजर, मतलब फेस वॉश, और साथ में इसमें टोनर भी रहता है। पहले नॉवेज में टोनर अलग आता था, अभी इसी में मिक्स रहता है। इसको कैसे यूज किया जाता है तो मैं पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। तो ये नॉवेज का ये हमारा क्लेंजर मतलब फेस वॉश है, ठीक है। इसके दूसरा हमारा जो होता है, हम लोग जो यूज करते हैं इसके बाद में मॉइस्चराइजर सीरम, ये सीरम है सेकंड, और थर्ड है आई क्रीम, इसकी थर्ड आई क्रीम है, और इसके बाद में हमारा ये डे क्रीम है, और इसके बाद ये नाइट क्रीम है, ठीक है। ये 5 प्रोडक्ट रहते हैं पूरे इस हमारा एक ये किट रहता है पूरा, वो आप लोग कैटलॉग में देख चुके होंगे। अब इसको कैसे यूज करना वो बताऊंगी, साथ में मेन बेनिफिट, पहले मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ उसके बाद हम यूज करना। इसका मेन बेनिफिट है, हम लोग जब 35+ हो जाते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, धीरे धीरे हम बोलते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, तो जो जो इलास्टिसिटी इस तरह से होती है, कसी हुई रहती है हमारी, वो धीरे धीरे लूज हो जाती है, और लूज होने के साथ में झूल जाती है, तो उसको झुर्रियां कहते हैं। तो जो स्किन झूल जाती है तो बुढ़ापा हमारा बहुत जल्दी आता है। तो ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है हमारा, साथ साथ में हमारे जो फाइन लाइंस होती हैं उनको हटाता है, और एक ग्लो लाता है चेहरे में, स्किन में। आप जब 40 के हो, आप अगर आप, मैं जैसे अभी मैं 55+ हूँ, तो मैं, मुझे अभी जो भी कोई भी बोलेगा तो 2-4 साल अपने आगे मतलब पीछे की तरफ चले जाते हैं। बुढ़ापा आएगा ये तो भगवान भी नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ अपने हाथ में है, अगर हम लोग अपनी स्किन को बराबर केयर करें तो हम 2-4 साल छोटे यंग दिख सकते हैं, और कौन नहीं चाहता है यंग दिखना, सब चाहते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ, तो मेन बेनिफिट इसका यही है, हम इससे यंग दिखते हैं, हमारे ग्लो आता है चेहरे में, और ये 35+ कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं, ये हमारा स्पंज है जो आप कई बार आता है फ्लायर में भी आता है, और ये स्पंज से बहुत अच्छा क्लीन होता है, ठीक है ना। तो मैंने स्पंज लिया और इसको वेट गीला किया, ये गीला किया, थोड़ा सा गीला पानी में डाल के, और उसके ऊपर में मैंने इस तरह से एक ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप, ठीक है। स्प्रेड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 इस तरह से पहले पॉइंट किए, और उसके बाद में मैंने इस तरह से इसको, ये देखिए
इस तरह से राउंड जाएगा, इधर में यूं, ऐसे नहीं, अंदर की तरफ नहीं लेना है अपने को, बाहर की तरफ ये राउंड जाएगा, ठीक है। और बहुत इजीली, ज्यादा नहीं, बस आप 30 सेकेंड अपने को ये करना है, इससे ज्यादा नहीं, और सॉफ्टली हाथ से, कोई बहुत हार्ड नहीं लेना है। और इस तरह से आपको आ रहा है ना समझ में, क्लियर? हाँ, है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगर आप वॉशरूम में हो तो डायरेक्ट पानी से आप इसको वॉश कर सकते हो चेहरे को, और अगर नहीं, आप कहीं लग रहा है आपको नहीं, तो इसको वापस पानी में डुबो के नीचो के इसको करके, और फिर उसके बाद में इसको ये साफ कर लिया। एकदम क्लीन हो जाता है इससे, और बहुत अच्छा, जो हम लोग कॉटन पे लेते हैं वो लेते हैं, ये स्पंज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इससे एकदम स्किन क्लीन हो जाती है पूरी। आप कहीं भी जा रहे हो, मैं तो बताती हूँ, मेकअप कुछ भी नहीं करती हूँ, अगर कहीं मेरे को पार्टी में जाना है, ये करके मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, तो भी एकदम लगता है फेशियल करवाया। इतना अच्छा स्पंज, और इसका ये नॉवेज का जो हमारा क्लेंजर है, बहुत अच्छा है, आप किसी को भी देंगे। देखिए, कहीं भी हम लोग जाते हैं, एक साड़ी या ड्रेस लेते हैं, ये मेरा क्लीन हो गया है, इसके बाद में मेरे को मॉइस्चराइजर लगाना है, ये मॉइस्चराइजर है सीरम, और मैंने अपने पाम में सीरम ना, बस इतना सा, देखिए एकदम थोड़ा सा लिया है, दिख रहा है? एक छोटा मोती होता है उतना, और इस तरह से मैंने पॉइंटेड किया है, ये पॉइंटेड कर लिया, और जो बचा हल्का गले में, क्योंकि यहाँ जब हम बोलते हैं ना तो बुढ़ापा सबसे पहले यहाँ आता है। आप देखिए, किसी का भी बुढ़ापा है तो यहाँ जल्दी एकदम स्किन लूज लूज हो जाती है, तो यहाँ हमको बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। ये मैंने लगाया फिंगर टिप्स से इस तरह से, फॉरहेड पे इस तरह से, और यहां इस तरह से, और थोड़ा सा अगर हो तो गले में नीचे में इस तरह से, देखिए बस, वो मैं इतना कर रही हूँ, बाकी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। टोटली अपना सुबह मॉर्निंग में अगर हम लोग करते हैं, मॉर्निंग में ये पूरा करने का हमारा 5 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, और फटाफट एक एक आधा आधा 3 मिनट्स में हो जाता है। इसके बाद में आई क्रीम, इसमें रोल ऑन है, आई क्रीम में हाथ से नहीं लगाना है, हम लोग इस तरह से बस 3 बार, और ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आंखों के नीचे नीचे ये रोल ऑन है, और ये बस 3 बार हम लोगों ने लगाया, और उसके जस्ट ऊपर ही हम लोगों ने ये क्रीम ली, और इसको भी 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स, और यहां थोड़ा उसके, वो जैसे सीरम लगाया इसी तरह से। आप ये ध्यान में रखिए, कभी भी क्रीम लगाते हैं ये ऐसे लेके जो हम लोग लगाते थे वो नहीं लगाना है। अब मैं इसका कारण बताती हूँ क्यों नहीं लगाना है इसको ऐसे। जब हम लगाते हैं तो हमारी जो गर्माश होती है उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी लूज हो जाती है, तो कभी भी पाम से नहीं लगाना, हथेलियों से नहीं लगाना, फिंगर टिप से, और एकदम हल्के हाथ से, ये देखिए इसी तरह से, आप एकदम ये क्लीन, एकदम अगर ये डेली करते हैं
तो आपको फेशियल करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। ये हो गया मेरा, ये मॉर्निंग का मेरा पूरा काम हो गया। फर्स्ट में मैंने क्लेंजर किया, सेकंड में सीरम लगाया और थर्ड में मैंने आई क्रीम लगाई और फोर्थ में मैंने डे क्रीम लगाया। ये डे क्रीम लगाया मैंने, ठीक है। और इसके बाद में रात में अब क्या करेंगे हम लोग, वापस रात में अब मैं ओरली बता दूं, वैसे ही जैसे मैंने स्पंज पे स्पंज के ऊपर में हल्का सा ये लिया मैंने और क्लीन किया चेहरे को। क्लीन करने के बाद में मुझे, अगर आप चाहो तो नाइट क्रीम सॉरी आई क्रीम दो बार लगा सकते हो। अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत है, सबसे ज्यादा बुढ़ापा यही आता है हम लोगों का, तो लाइन फाइन लाइन आ जाती है, बहुत गंदा लगता है, तो आप रात में भी आई क्रीम लगा सकते हो फेस ये करने के बाद। और उसके बाद नाइट क्रीम लगानी है। सीरम हमको सुबह मॉर्निंग में ही लगाना है, सीरम हमको रात में नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना है। अब सबका अलग अलग बेनिफिट बताती हूँ मैं आपको। अच्छा आप लोग क्लियर हो ना, एक बार म्यूट अनम्यूट करके बता दे, हम दिखा सकते हो। हाँ, नहीं वो क्लियर, हाँ सब लोग क्लियर हो ना। मैंने जो बातें कह रहे हैं कि बाप रे कितना बुढ़ापा आ गया क्या आ गया, तो सीरम लगाने से एक इंजेक्शन का काम करता है। जैसे हम लोग बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम लोग एक तो टेबलेट लेते हैं और एक इंजेक्शन लेते हैं। डॉक्टर दो एडवाइस देता है हम लोगों को। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोगों को डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मान लो लूज मोशन हो जाता है तो हम लोगों को डॉक्टर बोल ही देता है कि आप लोगों को ये लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेने से आपको जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो सेम चीज ये इंजेक्शन का काम करता है हमारी स्किन पे। हम बहुत जल्दी इससे, हमारी स्किन बहुत जल्दी अच्छी होती है। हम सीरम को हटा देते, कौन लगाए सीरम, लेकिन बहुत जरूरी है हमारी स्किन को। और मैम हम कपड़ों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, कपड़ा अगर फट गया हमारा तो हम सेकंड दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी स्किन भगवान ने जो दी है, अगर एक बार खराब हो गई तो बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करने में। और सबसे अट्रैक्शन फर्स्ट होता है हमारा स्किन का, तो हम लोगों को ये क्या काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है। तुरंत जो सीरम हमारा स्किन को बहुत जल्दी अफेक्ट देता है हर चीज में, आपका बुढ़ापा में बढ़ कर। सबसे बड़ा डार्क सर्कल्स बहुत लोगों के रहते हैं आजकल, इतने डार्क सर्कल्स, तो ये सब चीजें। अच्छा मैं एक नॉनवेज का एक और फायदा बताऊंगी आपको, लास्ट में मेरे से पूछिएगा भूल नहीं जाऊं मैं, पुनीता याद दिला देना। नॉनवेज का बहुत अच्छा एक फंक्शन और भी है, पहले मैं इसका बता। ये हो गया आई क्रीम, डे क्रीम। डे क्रीम हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइजर देता है और SPF भी है इसमें। आपका SPF होने से, हम लोग किचन में भी काम करते हैं ना, तो हमको जो हमारे गैस से या हम टीवी देख रहे हैं, लाइट के सामने बैठे हैं, तो उनकी जो रेसेस आती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो ये हमारी स्किन को उससे भी बचाता है, राइट। और सॉफ्टनेस देता है, मॉइस्चराइजर करता है। डे क्रीम का काम ये है हमारा। अब आ जाता है रात में वापस हमारी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम हमारी क्या काम करती है, नाइट क्रीम तो बहुत अच्छी। नाइट क्रीम बिना तो मैं तो कभी भी नहीं सो सकती, चाहे रात की 12 बजे सो चाहे 1 बजे सो, नाइट क्रीम जरूर लगाऊं मैं। और ये 5 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाती है, 5 मिनट में अपने को लगता है हल्का सा पसीना आता है, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, अनुसार बुढ़ापे को बचाती है। ये जो हमारी इलास्टिसिटी इस तरह से कसी हुई रहती है, वो धीरे धीरे बोलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, तो लूज हो जाती है, और लूज होने से स्किन बहुत जल्दी बुढ़ापा दिखता है। तो वो चीज हमारे इससे नाइट क्रीम का काम ही यही है कि हमारे को यंग बनाती है। इसका काम सबसे बड़ा फंक्शन यही है, और कोई फंक्शन नहीं है नाइट क्रीम का। तो आप सोचिए नाइट क्रीम बिना अगर आपको, और अभी बहुत जरूरत है, उस जमाने में इतनी अच्छा नहीं, उस जमाने में भी थी दादी माँ नानी माँ बहुत जल्दी अपने को लगने लग जाती कितने बूढ़े हो गए। आज के जमाने में देखिए, अच्छा एक इसमें आज हम बोलते हैं ना हीरो हीरोइन, आप रेखा को हेमा मालिनी को देखिए, हेमा मालिनी को देखिए, रेखा को देखिए, किस एज की है और अभी तक वो यंग दिखती है, नहीं दिखती है, लगती है कि वो 80 से 75 साल की है, 75 ईयर्स ओल्ड है। और अपनी दादी जी को देख लीजिए, वो उनके सामने कितनी ओल्ड लगती है। वो एक कोलेजन का इंजेक्शन लगवाते हैं, जो एक एक इंजेक्शन आते हैं 50,000, बहुत महंगे। वो इंजेक्शन से हम लोग उन लोग यंग दिखते हैं, वो
और वही चीज इसमें है, हम 50,000 तो देखिए खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ खर्चा कर सकते हैं और वो खर्चा करके हम लोग यंग दिख सकते हैं, राइट। अच्छा, एक नॉवेज का जो लास्ट फंक्शन जो मैं बता रही हूँ आपको, कि हमारा जो ये जो हम नॉवेज अगर यूज करते हैं 35+ तो बिल्कुल करना चाहिए, हमारे क्या चेहरे पे बहुत स्पॉट्स हो जाते हैं, चाहे सनबर्न हो या और भी कारण से, तो वो भी पूरा चला जाता है। मेरे पूरे चेहरे पे सनबर्न है थे, सॉरी, और मैं अगर ओरिफ्लेम में, मेरे को जो आज मैं गोल्ड डायरेक्टर बनी हूँ, तो मैं इसी इनके प्रोडक्ट की वजह से बनी हूँ, स्किन केयर के प्रोडक्ट से, कि मुझे देख के लोग खुद कहने लग गए, चला के मेरे पास आते थे कि आपने स्किन पे क्या यूज किया। और मैं इसमें कभी भी कमी नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, मैं ड्रेस 5 खरीद लूंगी, ज्यादा नहीं खरीदूंगी, लेकिन ये चीज में कभी भी इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और आप लोग सबको यही बताओ कि आप ड्रेस अगर फट जाएगी आप दूसरी ला सकते हो, कोई भी कुछ भी हो कर सकते हो, लेकिन स्किन अगर हमारी हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वास्तव में सबको अच्छा लगता है कि हम यंग दिखें, किसको लगता है, और ये हमारे ऊपर है कि थोड़ा, वैसे बुढ़ापा आएगा ये तो 101% है, लेकिन थोड़ा हमारे ऊपर में है, अगर हम लोग बराबर ये स्किन केयर करें तो हमारे बुढ़ापा, हम लोग 5 साल छोटे लग सकते हैं,